बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर पधारेंगे। जल से गुरु के चरण पधारे, दूध और जल से गुरु के चरण हम पधारे, दूध और जल से गुरु के चरण हम पधारे, दूध और जल से गुरु के चरण हम पधारे, फूलों से हम गुरुवर जी के अंगिया रचाए, से हम गुरुवर जी के अंगिया रखारे, गुरुवर जी के चरणों में हम चढ़ाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर यह पधारेंगे। पलके हम बिछाएंगे जिस पल मेरे गुरुवर यह पधारेंगे, हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर पधारेंगे। प्रसंग साहिब की मेरे गुरुवर की जन्मदिन है आ रे भक्तों आनंद मना लो, अपने गुरुवर की जन्मदिन है आ रे भक्तों खुशियाँ मना लो, अपने गुरुवर की जन्मदिन है आ रे भक्तों खुशियाँ मना लो, गुरुवर की जन्मदिन है आ रे भक्तों आनंद मना लो, गुरुवर की जन्मदिन है आज भक्तों आनंद मना लो, आनंद मना लो जी खुशियाँ मना लो, आनंद मना लो जी खुशियाँ मना लो, आनंद मना लो जी गुरु गुण गा लो, आनंद मना लो जी गुरु गुण गा लो, सदा भक्ति की सदा भक्ति कर लो विचार भक्तों खुशियाँ मना लो, गुरुवर की जन्मदिन है आज भक्तों आनंद मना लो। बोलिए शत्रुदेव भगवान की जय। मन मंदिर में गुरु को बसा लो, मन मंदिर में गुरु को बसा लो, उनके चरणों में शीश झुका लो, उनके चरणों में शीश झुका लो, शिवनी कला में आनंद मनाए, शिवनी कला में आनंद मनाए,
सभी आशीष को पाए, भक्त सभी आशीष को पाए। गुरुवाणी को जय हो, गुरुवाणी को कर लो विचार, ने भक्तों आनंद मना लो। गुरुवाणी को कर लो विचार, ने भक्तों आनंद मना लो। अशोक साहेब की जन्मदिन है आ, ने भक्तों खुशियां मना लो। रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों में गहरा राज है, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी महिमा गुरु की, जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उनकी ज्योति से हो, उनकी ज्योति से रोशन जहां, ने भक्तों आनंद मना लो। जन्मदिन है आज, ने भक्तों आनंद मना लो। अशोक साहेब की जन्मदिन है आज, ने भक्तों आनंद मना लो। जन्मदिन है आज, चलो भक्तों जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, जल्दी चलो भक्तों जल्दी चलो, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। अंजलि बांधकर तीन बार सिर झुकाकर साहिब बंदगी बोलना, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी। प्रातस्मरणीय परम वंदनीय सदगुरु कबीर साहिब की असी अनुकंपा से पूज्य श्री छावादेव जी की कृपा से, संतों की शुभकामना से, धर्म प्रेमी परिवार शिवनी कला के पुरुषार्थ से, माताओं बहनों की निष्ठा से, बच्चों के सरल प्रेम भाव से, बाहर से आए हुए भक्तों के पुण्य प्रताप से, उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों,
मुदमंगल में संत समाज सदगुरु कबीर साहिब ने बीजक ग्रंथ की रचना किया है। विशाल देव ने विशाल वचनामृत की रचना किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस रचा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया है। ग्रंथ पंथ सब जगत की बात बतावत तीन, ग्रंथ पंथ सब जगत की बात बतावत तीन, संत हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन, तन सेवा में लीन। तीन बातें मुख्य। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि वे कौन से लोग हैं जिनका जीवन सफल माना जाता है, जिनका बचपन, जिनकी जवानी, जिनका बुढ़ापा पूरे संसार को धन्य कर देता है, उनमें कौन सी चीज विशेष होती है जिसकी वजह से वे भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख बांटते हैं। इस संसार में सुखी रहना भी कठिन है और सुख बांटना भी कठिन है। दुखी रहना बहुत सरल है और दूसरों को दुख देना तो बहुत ही आसान है। दूसरों को अगर तुम शक्कर बांटो और फिर अपनी उंगलियां चाटो तो उंगलियों में मिठास आ जाती है, और दूसरों को यदि तुम नमक बांटो और फिर उंगलियां चाटो तो उंगलियों में नमकीन स्वाद आता है। इस दुनिया में जो बांटते हो उसका प्रभाव तुम पर भी आता है। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन ही सुख होते है, दुख दीन ही दुख होए। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। वह कौन सी चीज है जिसको पाकर मनुष्य निहाल हो जाता है, धन्य हो जाता है? धन पाकर मनुष्य धन्य नहीं होता है, धन पाकर तो चिंतित होता कि इसको बचाएं कैसे। अभी बहुत से मिनिस्टर चिंतित है कि अभी जेल मंत्री हूं, कहीं कल जेल ना जाना पड़ जाए, सिर्फ इसलिए कि धन ज्यादा है, इसको कैसे बचाऊं, कैसे छिपाऊं। उनसे मैं कहता हूँ ज्यादा हो तो सत्संग करा दो, इंडिया में 100 सत्संग, सब हम खाली कर देंगे, टेंशन खत्म। लेकिन धन का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु मृत्यु एक ऐसी चीज है जो तुमसे तुम्हारे धन को दूर कर देती है, तुमको तुम्हारे शरीर संसार परिवार से दूर कर देती है,
तुम हंसते हुए अगर किसी महान कार्य के लिए धन का त्याग करोगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे, खुशियां मिलेंगी। यदि हंसते हुए धन का त्याग तुम महान उद्देश्यों के लिए नहीं कर पाओगे तो ये मृत्यु आकर के तुमको जबरदस्ती त्याग कराएगी, तब तुम पछताओगे। इसलिए मरते समय ज़्यादातर लोग रोने लग जाते हैं, कोई कारण और नहीं रोने का, कहीं दर्द वर्द नहीं रोने के लिए, असली दर्द है कि सब छूटा जा रहा है। ये तो ज्ञान होना चाहिए कि सब छूटेगा। इस संसार से कुछ भी कोई साथ नहीं ले जाता है, दो चीजें साथ में जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, शिवनी कला की दीवार पर यह दोहा लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं लोग, दूसरे जंजीर में बंद कर जाते हैं। सिंहासन कौन है? पुण्य का सिंहासन, धर्म का सिंहासन, सेवा का सिंहासन, परोपकार का सिंहासन, भक्ति का सिंहासन, प्रेम का सिंहासन, त्याग का सिंहासन, अनुराग का सिंहासन, बलिदान का सिंहासन। इस सिंहासन पर एक आत्मा बैठकर यात्रा करती है, जिसका जीवन स्वर्गमय हो जाता है। दूसरी जंजीर कौन सी है? पाप की जंजीर, दुष्कर्मों की जंजीर, दूसरों को दुख देने की जंजीर। इसमें बंद करके जो जाते हैं सीधे नरक में डाल दिए जाते हैं। जीवन को स्वर्ग बनाओ, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करो। कबीर साहब कहते हैं कि वह एक चीज ऐसी है जिससे जीवन भर तुम भी सुख पाओगे और तुम्हारी पत्नी भी सुख पाएगी, तुम्हारे बच्चे भी सुखी रहेंगे, पड़ोसी भी सुखी रहेंगे और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे सुखी रहेंगे। उस चीज़ को आज बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा दिन है, ध्यान से सुनना। साहेब कहते हैं वो चीज बिना पैसे की मिलती है, उधार नहीं मिलती है, ठगने से भी नहीं मिलती, बेईमानी से भी नहीं मिलती, सरलता से मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कीमत कुछ नहीं है, जितनी चाहो उतनी ले लो, पर उस चीज के बिना सुख नहीं पाओगे, यश नहीं पाओगे, कीर्ति नहीं पाओगे, चैन नहीं पाओगे, शांति नहीं पाओगे, आनंद नहीं पाओगे। वो चीज़ तो फ्री है और उससे मिलती इतनी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ है? आपको आश्चर्य होता होगा कि जल्दी बताओ, हम तुरंत ले लेंगे। लेकिन मैं आपको 10 मिनट से घुमा रहा हूँ, जल्दी क्यों बताऊँ? ये बहुत ऊँची चीज़ है, अमूल्य है। मूल्यवान होती तो तुरंत बता देता, अमूल्य है, पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। ये गरीब को भी मिल सकती है, धनवान को भी मिल सकती है। उस चीज का नाम बताऊंगा और विस्तार भी करूंगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तुच्छा न बाजन बाज। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा महत्वपूर्ण गुण है।
जिसके प्रभाव से तू सुख पाता है, तेरी पूजा भी गुणों के कारण होती है। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, किसी जाति की पूजा नहीं होती है और न तो उम्र की पूजा होती है। गुणवान बनो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। राम और रावण में क्या फर्क है? राम गुणवान है, रावण धनवान है। राम विवेकवान है, रावण बुद्धिमान है। बुद्धिमान आप हैं, लेकिन बुद्धि में यदि विवेक नहीं है तो आप राक्षस बन जाओगे। बुद्धिमान व्यक्ति भी विवेकवान के सामने छोटा हो जाता है, धनवान व्यक्ति भी गुणवान के सामने छोटा हो जाता है। जो गुणवान है वो राम भगवान है, जो धनवान और बुद्धिमान है वो रावण राक्षस है। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान भी बनो और कृष्ण भगवान भी बनो और सोने की द्वारिका बनाकर संदीपन गुरु का गीत गाओ। सोने का भवन बनाना बुरा नहीं है, बनाइए। मैं कहता हूं कि घर सुंदर हो, लेकिन घर पावन भी हो, सुंदर हो, सुविधा हो और सुरक्षित हो और पावन हो, फिर वो घर सुहावन हो जाता है। और जो घर सुहावन है वहां संत के रूप में कभी न कभी भगवान का आवन हो जाता है। फिर 12 महीने सावन हो जाता है और जिंदगी मनभावन हो जाती है। घर को सुंदर बनाइए और घर को पावन भी रखिए। घर नहीं है, घर में शराब पी जा रही है, अंडा खाया जा रहा है, आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में थैली भर अंडा। 9 दिन पूजा दुर्गा की, फिर पूरे साल पूजा मुर्गा की। मुंह से कहते हैं रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। क्या जिंदगी है, जियो और जीने दो। कुछ लोग कहते हैं मांस मछली अंडा में बहुत विटामिन प्रोटीन होता है, तो मैं सोचता हूँ कि इतना बहुत विटामिन प्रोटीन तुम करोगे क्या, ये बताओ। जीवन में शरीर में अधिक विटामिन प्रोटीन पहुँच जाए तो भी शरीर बदसूरत हो जाता है, इसलिए मांस खाने वालों का चेहरा जो होता है ना, ऐसा लगता है फूल गया, फदफद हो गया, बहुत बदसूरत, क्योंकि ज्यादा विटामिन पहुंच गया, वो कहाँ जाए, तो सब शरीर बदसूरत हो गया। अधिक विटामिन की जरूरत नहीं है, ना प्रोटीन की जरूरत है, ना निकोटीन की जरूरत है। क्या चाहिए? हाथी की पीठ पर सवारी मनुष्य करता है कि हाथी मनुष्य की पीठ पर सवारी करता, बताओ। मैं हाथी की पीठ पर मनुष्य बैठता है कि मनुष्य की पीठ पर हाथी बैठता है? इतनी देर सोचने में लगी, यही पता नहीं कौन किसकी पीठ पर बैठता है। होशियार है, छोटा सा मनुष्य हाथी को भी बस में कर लेता है। बुद्धि का महत्व है, विवेक का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, होशियारी का महत्व है। ये हाथी जैसा शरीर हो जाए इसका भी महत्व नहीं।
शेर को भी बस में करने वाला मनुष्य है, घोड़े को बस में करने वाला मनुष्य है, चिड़ियों को पिंजड़े में बंद करने वाला मनुष्य है, बैल से भी काम लेने वाला मनुष्य है, गधे से भी मिट्टी ढोने वाला मनुष्य है। याद रखना, ये मनुष्य सभी प्राणियों के ऊपर अपना अधिकार रखता है, सबको कंट्रोल में रखता है। जब मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो मनुष्य देवताओं से भी बड़ा देवता बन जाता है। स्वयं को भी कंट्रोल करना सीखो। तुम घोड़े को कंट्रोल करते हो और स्वयं घोड़ा बन जाते हो। एक घोड़े की पीठ पर दूल्हा बैठा था, तो दूल्हा थोड़ा वजन था, तो घोड़ा कमजोर था कुछ, तो घोड़ा की पीठ दब रही थी। तो उस घोड़ा से घोड़ा की मालिक ने पूछा, क्या हाल है? बोले, कोई बात नहीं, जो हाल है सब झेल लेंगे। बोले, दूल्हा वजन है इसलिए पीठ दब रही, रीढ़ दबी जा रही। तो बोले, तो भी तुम मुस्करा रहे हो, दुख नहीं है? बोले, दुख इसलिए नहीं है कि आज ये मेरी पीठ पर बैठ ले और कल से तो ये खुद ही घोड़ा बनेगा, ये घुड़दौड़ में शामिल होगा, मैं तो केवल आज ढोऊंगा छुट्टी कल। आदमी स्वयं घोड़ा बन जाता है, गधा बन जाता है। जिस समय तुम हाथी की तरह मतवाले हो जाते हो तो समझ लो मनुष्य के शरीर में भी तुम हाथी हो। जिसमें दुनिया की अंधी दौड़ में तुम घुड़दौड़ में शामिल हो जाते हो, न भजन का समय है, न पूजा का समय है, न सत्संग का समय है, तो तुम समझ लो घोड़ा हो गए, घुड़दौड़ में शामिल हो। जिसमें तुम रात दिन गधे की तरह ढोते रहते हो, पैरते रहते हो, तो समझ लो मनुष्य के रूप में तुम गधे हो गए। जिंदगी क्या है? एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी तो सबको मिलती है लेकिन जीने का ढंग नहीं मिलता है, और जिनको जीने का ढंग नहीं मिलता है वही मनुष्य के रूप में है लेकिन मनुष्य नहीं है। शकर में से मिठास निकाल लो तो क्या उसे शकर कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि मिठास का नाम ही शकर है। नमक में खारीपन निकल जाए तो नमक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मिर्चा से कड़वाहट खत्म हो जाए तो मिर्चा क्या है? मनुष्य में मनुष्यता खत्म हो जाए तो मनुष्य का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, मनुष्यता रहनी चाहिए। गुणों का कितना महत्व है, आपने देखा होगा कि जब कोई उत्सव होता है या कुछ खुशियां होती हैं तो लोग हलवाई की दुकान से मीठा लाते हैं पैक करके। हलवाई से कहते हैं, जरा पैकिंग अच्छी लगा देना, तो हलवाई मुस्करा देता है, कहता है डबल पैकिंग लगा दो। बोले, हाँ डबल लगा दो। तो मैंने एक दिन हलवाई से पूछा, जब लोग डबल पैकिंग लगाने को कहते तो तुम मुस्कराते क्यों हो? बोले, गुरुदेव पैकिंग में ही फायदा छिपा है, क्योंकि बर्फी 300 रुपये किलो है और पैकिंग 50 रुपये किलो है, तो 50 रुपये किलो की पैकिंग डबल लगा देता हूँ, 100 ग्राम पैकिंग है वो भी 300 रुपये किलो में बिक जाती है, उसी का प्रॉफिट शाम तक 3-4 हज़ार हो जाता है डबल पैकिंग। अब इतने लोग सुन लीजिए तो डबल लगवाएंगे नहीं, पैकिंग भी तौल दी जाती है। जब उस दफ्ती के डब्बे में बर्फी रख दी जाती है तो उस डब्बे को तुम दोनों हाथ से लेकर थैले में रख लेते हो, आदर के साथ लाते हो, रास्ते में फिर देख लेते हो थैले में कहीं डब्बा खुल तो नहीं गया, क्योंकि बर्फी है, और ला करके घर में टेबल पर रखते हो, फिर घर वालों को बुलाते हो, उत्सव मनाते हो, डब्बे का ढक्कन खोलते हो, सभी लोग एक एक पीस, दो दो पीस बर्फी खा लेते हैं,
और बर्फी खाने के बाद जब वो डब्बा खाली हो कूड़ेदान में डाल देते हो, जब तक उस दफ्ती के डब्बे में बर्फी थी, उस डब्बे का तुम आदर करते थे, दोनों हाथ में पकड़ते थे, टेबल पर रखे थे, और बर्फी जब निकल गई तो डब्बे को डाल देते हो। याद रखना, ये मनुष्य का शरीर तो केवल दफ्ती का डब्बा है, इसके अंदर जो मनुष्यता के गुण हैं उसी की बर्फी भरी हुई है, इसलिए मनुष्य शरीर रूपी डब्बे का आदर होता, सम्मान होता है, इसको मालाएं पहनाई जाती हैं, आरती वंदन होता है, इस शरीर के चरण छुए जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्यता की बर्फी, गुणों की बर्फी निकल गई तो ये डब्बा कूड़ेदान में डालने लायक हो जाता है। इसलिए मनुष्यता की गुणों की बर्फी को संभाल कर रखना। राजस्थान में चार स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, आपस में बात कर रही थी। स्त्रियां बात खूब करती हैं, और केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, बात करने में स्त्रियों को कोई जीत नहीं सकता है, इनके पास बहुत रिकॉर्डिंग है। अब बात जरूरी हो चाहे गैर जरूरी हो, हमने सुना तो नहीं है लेकिन बोलते देखा है, बोलती जा रही है, बहुत बात कर रही थी। तो एक स्त्री ने कहा, जरूरी बात करो, फालतू बात मत करो। बोले, जरूरी करो लो बात, क्या करोगी? कहा, अपने अपने पतियों की बात करो, अपनी बात मत करो। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धन है, मैं जिस रोज जो सामान लाने को कहती हूँ तुरंत नया सामान ला कर देता है, ऐसा तुम्हारा पति है। दूसरी स्त्री ने कहा, मेरा पति बहुत रूपवान है, जिसके सामने हीरो भी फेल है। तीसरी स्त्री ने कहा, आज तुम्हारा पति इतना सुंदर है, मेरा पति ना धनवान है ना रूपवान है, लेकिन मेरा पति बहुत बलवान है, मैं कभी बीमार होती हूँ अकेले पूरी खाट उठा के रख देता इधर से उधर, पूरा भीम बली समझो उसको। चौथी स्त्री ने मुस्करा कर कहा, मेरा पति ना धनवान है ना रूपवान है, ज़्यादा काम चलता है, ना तो बलवान है मेरा पति, मेरा पति गुणवान है, और ऐसा गुणवान है जब से मेरी शादी हुई है मेरे पति के साथ में मुझे कभी दुख नहीं हुआ, हमेशा खुशियों भरी जिंदगी बीत रही है, केवल मेरा पति गुणवान है। तो तीनों स्त्रियों ने कहा कि तेरा पति महान भी है, क्योंकि रूपवान धनवान और बलवान पति के अपेक्षा में गुणवान पति ज़्यादा अच्छा है, जिसके साथ में पत्नी को सुख शांति मिलती है वह पति ज़्यादा बेहतर है। मैं निवेदन करूँगा, गुणवान पति बनो और गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान पुत्री बनो, ऐसे ऐसे गुणों को विकसित करो कि तुम्हारे माता पिता तुमको देख करके मुस्कराएं। गुणवान विद्यार्थी बनो, गुणवान शिक्षक बनो, सरलता का गुण है, नम्रता का गुण है, सहनशीलता का गुण है, परशुराम गाली देते हैं, राम सहन कर लेते हैं, राम में पिता की आज्ञा का पालन करने का गुण है। राजा दशरथ ने कहा, 14 वर्ष का वनवास, राम जी 14 साल के लिए वन चले गए और वन में कुश की चटाई पर भी सो रहे हैं, पत्तों पर सो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मनुष्य के अंदर दया का भी गुण होना चाहिए, क्षमा का गुण हो,
आपके आसपास में रहने वाले गलती कर दे तो उनको क्षमा भी करो, और क्षमा मांगने का भी गुण हो, तुमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांग भी लो। क्षमा करने की अपेक्षा क्षमा मांगना बहुत कठिन है, क्योंकि क्षमा मांगने में अहंकार की मृत्यु होती है और क्षमा करने में क्रोध को जीतना पड़ता है। किसी की गलती को जब तुम क्षमा करना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति जो गुस्सा आई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब क्षमा कर पाओगे। लेकिन क्षमा तुमको यदि मांगना है तो अपने अहंकार को मार पाओगे तभी क्षमा कर पाओगे। क्षमा गुण बहुत बड़ा गुण है। विष्णु भगवान ने भृगु जी को क्षमा किया था तो विष्णु जगत पूज्य हो गए, और भृगु जी ने क्रोध करके लात मारा था, भृगु जी पूजा से बाहर कर दिए गए। क्षमा करने वाला पूजनीय हो जाता है, क्षमा मांगने वाला वंदनीय हो जाता है, और क्रोध करने वाला, लात मारने वाला रावण, लात मारने वाला भृगु, ये दोनों निंदा के पात्र बन जाते हैं। क्षमा करो, इसलिए कहा गया है क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन को उत्पात। जो क्षमा करता वो बड़ा हो जाता है। साधु की शोभा क्षमा गुण से है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कृपाणाम क्षमा रूपम तपस्वीनाम। स्त्री का सुंदर रूप यदि कुछ है तो पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता धर्म का भी पालन करो। पतिव्रता धर्म में सभी व्रत समा जाते हैं, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे पतिव्रता व्रत में सब व्रत समा जाते हैं। एक पत्नी व्रत का नियम बहुत बड़ा नियम है। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत नियम पालन करते हैं। जो गृहस्थ इस नियम को पालन करता है उसके घर में कलह कलेश फिर नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। संयम धारण करो। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम कोकिला रूपम सुरो। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो मीठा सुर है। कोयल शरीर से सुंदर नहीं होती, शरीर से तो काली है, लेकिन उसका जो सुर है वह मीठा है, जिसके कारण कोयल की शोभा है। अभी ये म्यूजिक बजाने वाले लोग ये कौवा की आवाज़ कभी नहीं निकालते हैं म्यूजिक में, कोयल की आवाज़ निकालते हैं। ये समझते हैं कोयल की आवाज़ सबको प्रिय लगेगी, ये कौवा की बोली बोलवा दें तब लोग कहेंगे बंद करो इसको रह दो। कोयल की आवाज़, कोयल बन करके जियो। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कृपाणाम। और किसी का शरीर सुंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर विद्या का गुण है, विद्या ही उसकी शोभा है। कालिदास शरीर से सुंदर नहीं थे लेकिन अपनी विद्या के गुण से वे आज भी उनका नाम अमर है। विद्या गुण कोई साधारण गुण नहीं है। आज हम विद्यालय में ही बैठे हैं और विद्या अध्ययन की उम्र, विद्यारूपी धन कमाने की अवस्था केवल बचपन है। बचपन में विद्या रूपी धन कमा सकते हो, लेकिन विद्यार्थी के लिए नंबर एक खतरा है टीवी का सीरियल पिक्चर हीरो हीरोइन, ये विद्यार्थी के लिए खतरनाक है। जो बेटे और बेटियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी जिंदगी को बिगाड़ने वाले ये हीरो हीरोइन है। अगर उनमें आकर्षित हो गए तो फिर रिजल्ट 00 ही नहीं आता है। इसलिए विद्यार्थी को पिक्चर से बचना चाहिए। नंबर दो, दूसरा विद्यार्थी के लिए खतरनाक है अधिक नींद। नींद बहुत आती है, कुंभकर्ण भी हार जाएगा, इतना लोग सोते हैं। इस भारतवर्ष में दो प्रकार के लोग हैं,
एक तो वे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा सोते हैं, जितना टाइम मिलता है पूरा सो लेते हैं, दूसरा कोई जगाता है तभी जागते हैं, धक्का मारो तो उठेंगे, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, धक्का परेड है, उनकी बैटरी डाउन रहती है, बस पड़े हैं। जैसे भैंस के बच्चे का नाम पड़वा होता ना, पड़वा नाम क्यों पड़ा, मैं बचपन में समझ नहीं पाता था, फिर साधु बना तो अभी 2 साल से याद आया कि पड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि भैंस का बच्चा जब पैदा होता तो 4-5 दिन वो पड़ा रहता है, इसलिए नाम पड़वा है। ये मनुष्यों में भी बहुत से पड़वा हैं, वो जिंदगी भर पड़े रहते हैं, वो बहुत लंबे चौड़े पड़वा हैं। किसी को पति ऐसा मिला है जो पड़वा जैसा पति है, पड़ा रहता है, अब पत्नी हैरान है कि ये आदमी है कि पड़वा है, काम ही नहीं करता है। किसी को पत्नी ऐसी मिली वो भी पड़वा है, खा लेती है पड़ी है, और किसी को बेटा ऐसा मिला है पड़वा है, बिस्तर पर पड़ा है, कहते हैं बीए पढ़ा है और फिर बिस्तर पर पड़ा है और थोड़ा सा पीए पड़ा है। पड़वा मत बनो, अलर्ट रहो, समय को बर्बाद ना करो। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत भर की भी नींद नहीं आती है, उनके जीवन की भी दुखद घटना है। अभी कल मैं गया था एक शहर में, नाम नहीं लूंगा, बदनामी हो जाएगी, तो वहां जितने लोग मुझको मिले उनकी सब आंखें नीचे फूली फूली थी, झूल गई आंखों में, ऐसा लगता था थोड़ी थोड़ी हवा भरी है यहाँ नीचे, तो मैं सबका मुंह देखता था, तो मैंने कहा आंखें फूली फूली क्यों है, बोले इसी मॉडल की आंखें तो हमने कहा इस मॉडल की केवल शहर में होती कि देहात में भी, बोले केवल सिटी में होती है। हमने कहा नींद आती है कि नहीं आती है, बोले 20 साल की उम्र के बाद आना बंद है, लेटा रहता हूं नींद नहीं आती, मीठी नींद नहीं आती। जो 6 घंटे गहरी नींद नहीं सोता है उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे गहरी नींद सोना चाहिए जिसमें कोई सपना भी नहीं आना चाहिए, और 7 घंटे से अगर ज्यादा आप सो रहे हैं तो अपने साथ और परिवार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, इससे ज्यादा मत सो, क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है, सोने में गंवा दो चाहे बातों में गंवा दो, चाहे झगड़े में गंवा दो चाहे जेल में गंवा दो। कितने लोगों की जिंदगी का आधा टाइम तो जेल में चला जाता है, कितने लोगों के 24 घंटे के 4 घंटे तो टीवी में पिक्चर देखने में चले जाते हैं, कितने लोगों का लड़ाई झगड़ा में टाइम जाता है। समय का सदुपयोग करो, पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता है, इस बात को याद रखना, समय अमूल्य है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, मनुष्य की जिंदगी में 1 मिनट का भी बहुत बड़ा महत्व। 1 मिनट चूक जाओ बहुत खतरा हो सकता है, 1 मिनट सावधान हो जाओ खतरे से बाहर हो सकते हो। समय का सदुपयोग करो। तीसरी चीज विद्यार्थी के लिए बहुत खतरनाक है, वो ये है क्रिकेट का खेल, ये भी एक व्यसन है। क्रिकेट, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना, ये दोनों व्यसन बन गया। देखने वाले भी जिस रोज क्रिकेट होता है सब काम बंद करके बैठ जाते हैं, कहां विदेश में क्रिकेट हो रहा है, यहां हो हल्ला, अपने कमरे में चिल्लाते हैं जय हो इंडिया की, कौन सुनता है यहां। बोले मेरी पत्नी सुनती है, तो पत्नी से पूछो सुना तूने, उसने कहा ये पागल है तो क्या करूं ये सब पागलपन लोगों, क्रिकेट में भी समय मत गंवाओ।
चौथी चीज विद्यार्थी के लिए सबसे खतरनाक है फैशन श्रृंगार। मैं चाहता हूं यहां जितने विद्यार्थी आए हों वो महान विद्यार्थी बने, ईश्वर चंद्र विद्या सागर जैसे विद्यार्थी बने, उनका प्रथम स्थान आए। कल रात में जब मैं 9 बजे पहुंचा शिवनी कला के टेकेश्वर चंद्रा जी के पावन घर में कुर्द में, उसी समय टीवी में भी प्रवचन चल रहा था। टीवी में भी आया और मैं अंदर गया, बोले दोनों तरफ आप हैं, उसको प्रणाम करूं कि आपको करूं। मैंने कहा जिधर ज्यादा मन लग जाए उधर चले जाओ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे स्कूल में जो प्रथम स्थान सेकंड स्थान और थर्ड स्थान प्राप्त करता है विद्यार्थी उसको मैं पुरस्कृत करता हूँ। फर्स्ट आए उसको 1100 रुपये, सेकंड आए उसको 1000 और थर्ड आए तो 500 रुपये। क्योंकि इसलिए पुरस्कृत करता हूँ कि उसको देख करके अन्य विद्यार्थियों का उत्साह बढ़े और अगले वर्ष हमारे स्कूल में कम से कम 50% फर्स्ट आ जाए सब। ये प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है। जैसे आप ताली बजाते हो तो इसमें क्या होता है, क्या फायदा है? आपको पता है मुझे पता है, ताली तुम बजाते हो तुमको तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शरीर में अगर कहीं दर्द है तो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। और मुझे ये फायदा है कि तुम्हारी ताली से मेरा उत्साह बढ़ जाता है तो मैं और डबल अच्छा सत्संग सुनाता हूँ। लेकिन तुम कभी कभी ताली ऐसे बताते हो जैसे महाभारत के युद्ध में घायल अधमरे लोग पड़े हैं, चेट पेट पेट, थोड़ा दमदार मारना चाहिए ताली। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वह बगीचा बगीचा नहीं जिसको केयर करने के लिए माली ना हो, वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। क्यों अच्छा लगा? सब तो साधारण रहा लेकिन साला साली में ज्यादा अच्छा लगा। ये शब्द ही इतने गहरे हैं, साला और साली। 80 साल का बूढ़ा घाट पर लेटा हो, उठ ना पाता हो, कोई उसको खबर कर दे कि तुम्हारी साली आई है तो एक झटके मुठ के खड़ा होता है, किधर है? इतने दमदार इंजेक्शन है ये। लगन तो सबकी लगती है लेकिन किसकी लगन कहाँ लगती है ये सोचनी विषय है। किसी की लगन खेलने कूदने में है, किसी की लगन टीवी देखने में है, किसी की लगन गाड़ी चलाने में है, किसी की लगन झगड़ा करने में है, किसी की लगन पॉलिटिक्स में है, किसी की लगन साइंटिक्स में है, और किसी की लगन सत्संग में है, और किसी की लगन टिकेश्वर जैसे सत्संग समागम कराने में भी है। राम की लगन विश्वामित्र में थी, राम की लगन वशिष्ठ गुरु में थी, मेरी लगन श्री क्षमादेव के चरणों में है। जिसकी लगन विश्वामित्र में लग जाती है वो विश्व का मित्र बन जाता है और वही राम भगवान कहलाता है। गुरु लगन सच सत गुरु से लग जाएगी, गुरु लगन सच सत गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन कनक सा बदल जाएगा। जय हो। सारे जीवन कनक सा बदल जाएगा, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। बहुत सुंदर गीत है, गाइए। मुस्कुराते रहो, धर्म प्रेमी परिवार मिलकर गाइए रहो, गाइए प्यारे लाल जी। मुस्कुराते रहो पारकदास, अंजुरु दास रहो, वक्त जीवन कयो ही
गंभीर दास चूरामन दास वक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा वक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा बोलिए सतगुरु भगवान की जय। विद्यार्थी इन खतरों से पार हो जाए फैशन शरीर को मत सजाओ ज्यादा अपने गुणों से अपने जीवन को सजाओ अच्छी डिवीजन ला करके यश और कीर्ति से जिंदगी को श्रृंगारित करो। लखनऊ के कमिश्नर से मेरा मिलन हुआ 14 वर्षों से वे भक्ति में लगे हैं बोले मेरे बाप की कृपा है आपकी कृपा है बाप और आप। मैंने कहा तुम आंध्र प्रदेश में रहते हो मैं कहाँ मिला बोले आप यानी आप जैसे संत उनकी कृपा है। तो मैंने कहा कैसे बोले मेरी लगन पढ़ने में नहीं थी साधु संत के भजन सुनता था खेत में थोड़ा काम करता था स्कूल जाता था कम पढ़ता था। तो पिताजी ने कहा बेटा तेरी लगन इस पढ़ने में नहीं है खेत में थोड़ी लगन है तो खेत में ही पूरी लगन लगा ले। तो पिताजी ने मुझे खेत में लगा दिया और इतनी मेहनत से काम लिया मुझसे कि मैं गोरे से काला हो गया साल भर में बहुत काम लिया। तो मैंने बाप से कहा बाप जी अब मैं पढ़ूंगा उसमें ज्यादा आराम है। उन्होंने कहा नहीं एक साल और तू आ जा मेरे साथ तेरे को बिल्कुल फिट कर दूंगा। बोले मैंने बाप के पैर छुए संत आते थे उनसे भी प्रणाम किया कि संत जी बाप से सिफारिश कर दो मेरी लगन लग गई और मैं एक बार में ही आईएएस परीक्षा क्रॉस किया कलेक्टर हो गया। उसके बाद गुरुदेव में टापर था तुरंत फटाफट कमिश्नर हो गया। लखनऊ में बैठा हूं तुमने कहा अहंकार आता है कि नहीं बोले बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि सब बचपन की याद आती है जो जो दुर्दशा हुई है। ऊंचे पद पर पहुंचकर अहंकार ना आए। विद्यार्थी यदि पढ़ने में लगन लगा ले साधु साधना में लगन लगा ले पहलवान व्यायाम में लगन लगा ले नेता जनसेवा में लगन लगा ले तो इसको फेल करने वाला कोई पैदा ही नहीं है। लगन लगाओ। मीराबाई ने भक्ति में लगन लगाया था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आज भी मीरा का नाम अमर है। मैं बेटियों से कभी कभी कहता हूं कि मीरा बनो शिबरी बनो सती सावित्री बनो वीर माता रानी लक्ष्मी बाई बनो। वीर माता जीजाबाई बनो ये हेमा मालिन बनने की कोशिश मत करो। हेमा मालिन जोमा मालिन हाथी मालिन न जाने कितनी मालिन है। प्रहलाद बनो ध्रुव बनो बेटो राम बनो कृष्ण बनो मेरे जैसे संत बनो महान बनो ऊंची शिक्षा प्राप्त करके कलेक्टर बनो बैरिस्टर बनो। जितने हमारे साथ हमारा कोई संत मान सम्मान नहीं चाहता है सबका दिमाग मेरे ऊपर केंद्रित है कि गुरुदेव बस। और निश्चित है कि जब एक जगह केंद्रित हो जाते हो ना तो सफलता तो आपके आसपास घूमती रहती है। सफलता का रहस्य ही है कि आपके घर में भी एक आदमी को चुनो जो बुद्धिमान विवेकवान गुणवान हो
उसी के ऊपर सब लोग अपना मन केंद्रित करो, उसको दुखाओ मत, सताओ मत, और उसका ख्याल रखो। फिर वही एक आदमी की प्लानिंग और कलाएं तुम्हारे परिवार में चार चांद लगा देंगी। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती किसी भी पार्टी में भी, एक आदमी पर जब केंद्रित होती है पूरी पार्टी, चार चांद लग जाते हैं। आदमी भी योग्य होना चाहिए। अब किसी खामखा आदमी पर तुम केंद्रित होगे, फिजूल का आदमी है तो फेल खा जाओगे। आदमी भी ठीक होना चाहिए। विद्यार्थी फैशन से बचे, और विद्यार्थी के लिए एक चीज और खतरनाक है, अधिक भोजन खाना। अधिक भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। आज संकल्प लीजिए कम खाएंगे। कम खाने का अर्थ ये नहीं बलराम की बिल्कुल मत खाओ, कम खाने का मतलब है जहाँ तीन रोटी खाते हो दो खाओ, जहाँ एक कटोरी चावल खाते हो आधी कटोरी खा लो। कम खाने का मतलब यही है कि थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा पेट भरे, आधा खाली रहे। कम खाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल नहीं खाओगे तो खतरा है, बीमार हो जाओगे, शरीर कैसे चलेगा। लेकिन बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। प्रेमी से बार बार कुछ मांगने से प्रेम घट जाता है। जहाँ सम्मान बहुत होता हो बार बार जाने से मान घट जाता है। और गुरु का गुणगान करने से, सत्संग करने से पाप घट जाता है। गुणवान की संगत से ज्ञान बढ़ जाता है। गुणवान के संग में बैठने से तुम्हारा ज्ञान विकसित होता है। तपस्वी की संगत में ध्यान एकाग्र होता है। परिवार में ज्यादा मन लगाने से मोह बढ़ता है। धन का ध्यान करने से लोभ बढ़ता है। मूर्ख की संगत में क्रोध बहुत आता है। मूर्खों के साथ अगर आप हैं तो कहीं वो थाली गिराएंगे, कहीं खुद ही गिर पड़ेंगे, और कहीं कुर्सी में लड़के गिरेंगे, और जो मुख्य अतिथि आया होगा उसी के ऊपर गिर पड़ेंगे, कहीं चाय मेज पर उलट देंगे, कहीं झाड़ू तब लगाएंगे जब मेहमान द्वार पर खड़ा होगा, उल्टा काम, तो तुम्हें गुस्सा आएगा मूर्ख की संगत में। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत। बुद्धि विवेक विचार, विवेकवान ज्ञानी की संगत में बढ़ जाता है। गुरु नरहरिदास की संगत में तुलसीदास का ज्ञान विकसित हुआ था। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के सानिध्य में राम महाज्ञानी हो गए थे। संदीपन गुरु की शरण में कृष्ण भगवान महान ज्ञानी हो गए। संगत का भी प्रभाव होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, खूब सत्संग सुनो, खूब सत्संग सुनो, आपका ज्ञान विकसित हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आज हम सबके सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव शिवनी कला के पावन धरती में पधारे हैं। बहुत दिन से, एक साल से हमन हाँ हमारे साथी मन के साथ में एक सपना रही कि गुरुदेव ला एक बार लाना है। एक साल के मेहनत में हमार बात ला, विचार ला, ये ला बात ला रख के आज दीपावली के पावन पर्व में, अपन जन्म के पावन पर्व में इस समय ला निर्धारित करी। ओकर बाद गुरुदेवला
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा सौभाग्य कब नहीं मिले कि दिवाली के पावन पर्व में पहली बार छत्तीसगढ़ में गुरुदेव हा अपन जन्म के दिन आए, ये हम सब पर एक बार सौभाग्य है। तो मैं यहाँ पूरा ग्रामवासी के तरफ से, सिवनी के पावन धरती के समस्त ग्रामवासी के तरफ से गुरुदेव के चरण में एक बार फिर नमन करत हूँ, फिर एक बार नमन करत हूँ, बोल प्रणाम करत हूँ। और आज ओकर बधाई जन्म उत्सव ला मैं बधाई देता हूँ कि वो हमार गुरुदेव हा लाखों हजारों साल जिए, एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कर। तेजस्वी ब्रह्मचारी संत श्री असंग साहेब जी के सुखद प्रवचनों द्वारा सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक शांति, समृद्धि व विकास हेतु प्रवचनों के कार्यक्रम आयोजित करने और गुरुदेव जी के हस्तलिखित पुस्तकें तथा प्रवचनों की सीडी डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें सद्गुरु मानव सेवा संस्थान, ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट अलीगंज, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 262802, संपर्क सूत्र फोन 09754672282, 09628713612, वेबसाइट asangdev.com, ईमेल asangsaheb@gmail.com।